हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल किचन क्विंग आरके में। आज हम बनाएंगे घुघरे की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम मैदे का आटा लिया है। आटे को अच्छे से छान लिया है। अब हम उसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच कलौंजी, स्वाद अनुसार नमक, दो चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऑयल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो चुका है। अब हम उसमें ऐड करेंगे पानी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को रेडी कर लेंगे। आटा है वो रेडी हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 15 मिनट के लिए ढक के आटे को रेस्ट देंगे। घुघरे की स्टफिंग रेडी कर लेंगे। मैंने घर पे मसाला बना के रेडी किया है। घुघरे का मसाला मैंने घर पे बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमक स्वाद अनुसार, उबले हुए मटर एक कटोरी, हरा धनिया एक कटोरी, ये सारे मसाले हमें यहाँ पे चाहिए। आलू को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया है और उसका छिलका हटा दिया है। आलू को हम मिक्स कर लेंगे और सारी सामग्री ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले आलू को मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आलू को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम उसमें ऐड करेंगे नमक, उबले हुए मटर, हरा धनिया, होममेड घुघरा मसाला मैंने ये घर पे बनाया है। आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें सब मसाले हैं, तीखापन भी है, खट्टापन भी है, सब इसमें मैंने ऐड किया है। मिक्स कर लेंगे। मसाला है अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम घुघरा बनाएंगे। आटा भी हमारा रेडी है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। हमने जो ऑयल ऐड किया था उसके ऊपर दानी दानी आ चुकी है, इसलिए हमारा आटा एकदम रेडी हो चुका है। वापस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक लोई ले लेंगे, पूरी बेल लेंगे, पूरी इस आकार की हमें बेलनी है, इस साइज की, और इस आकार की थोड़ी सी हमें लम गोड़ बेलनी है ताकि जो घुघरा है अच्छे से बने। स्टफिंग रखेंगे आलू की और घुघरे का शेप दे देंगे इस तरह से, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक किनारी से स्टार्ट करेंगे इस तरह,
खोखरा बन के रेडी है। आप देख सकते हो किनारी भी बहुत बढ़िया बनी है। बहुत ही बढ़िया खोखरा बन के रेडी है। सारे खोखरे इसी तरह रेडी कर लिए मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े जिस साइज के आपको खोखरे चाहिए उस साइज के बना सकते हो। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गरम हो जाए तो हम इसमें खोखरे ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए अंदर तक। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। खोखरे वो फ्राई हो चुके हैं दोनों साइड से, आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही दूसरे सारे खोखरे को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स खोखरे का जो कलर है वो भी बहुत ही बढ़िया आया है। ऐसे ही सारे खोखरे फ्राई करके रेडी कर लेंगे। सारे खोखरे फ्राई करके मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए, आप देख सकते हो। कितना क्रंची है और एकदम टेस्टी भी है, देख सकते हो आप यहाँ पे। अब हम इसे सर्व करेंगे। एक प्लेट में इस तरह सारे खोखरे रख देंगे। हरी चटनी ऐड करेंगे खोखरे में। रेड चटनी ऐड करेंगे खोखरे में। मीठी चटनी ऐड करेंगे खोखरे में। सेव ऐड करेंगे। खोखरे की प्लेट बनके रेडी है। ऊपर से चाट मसाला, संचर यानी कि काला नमक ऊपर से थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि बढ़िया टेस्ट आए। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।